विगत कुछ दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे बालाघाट विधायक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जी को जिला कांग्रेस ने मानसिक विकलांग करार देते हुए विदेश में पागलों के डॉक्टर से उनका इलाज कराने की बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही है। आपको बता दें कि हाल ही में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी ने कमलनाथ जी पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो बालाघाट से चुनाव लड़कर दिखाएं। उसके बाद तिरोड़ी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ जी पूछ का और सिंधिया जी मूछ का बाल हैं। गौरीशंकर बिसेन जी यही नहीं रुके बल्कि मर्यादाओं की सारी हदें पार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी को कहा कि वे उन्हें खूंटे में उल्टा लटका देंगे। उनके सार्वजनिक बयानों में ऐसे ऐसे भद्दे शब्द थे जिन्हें लिखना भी मर्यादा का उल्लंघन ही माना जा सकता है। पूर्व कृषि मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन जी की इन हरकतों के खिलाफ अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस उनके खिलाफ FIR कराने की तैयारी कर रही है। साथ ही कांग्रेस नेता अनुराग चतुर्मोहता ने कहा कि अगर कमलनाथ जी पूंछ और सिंधिया जी मूछ के बाल हैं तो गौरीशंकर बिसेन जी कहाँ के बाल हैं। जी भैया, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर लगातार जो है यहाँ के विधायक तथा पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही है। अभी हाल ही में उन्हें कल परसों में फिर जो है हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ऐसी टिप्पणियाँ उन्होंने की। अब क्या जो है एक्शन रहेगा, क्या कदम रहेगा कांग्रेस का? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एक गौरीशंकर बिसेन नाम का आदमी है जो 40 साल से बालाघाट विधानसभा ही नहीं अपितु जिले का अपने आप को कद्दावर नेता बताते आ रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो मर्यादित और अमर्यादित के बीच का एक फासला है, वो फासले को हमेशा कम से कम रखना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस तरीके की वो बयानबाजी हर 2-3 दिन के अंदर में कर रहे हैं, उस बयानबाजी को देख कर मुझे ये लगता है कि ऊपर इनकी पूछपरख खत्म हो गई है। अब अपनी पूछपरख बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए ये इस तरीके के घटिया कृत्य कर रहे हैं, पहला। दूसरी चीज़, क्या इनके जो बयान है उस बयान में BJP और शिवराज सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी सहमति है? क्या ये पार्टी इस बयान का समर्थन करती है? अगर पार्टी की ये बयान में समर्थन है तो हम ये मानते हैं कि ये पार्टी जो है भाजपा, ये पार्टी इसी तरीके के घटिया विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अगर पार्टी इसके साथ नहीं है तो पार्टी को इस बात का खंडन करना चाहिए कि भाजपा का बयान गौरीशंकर के बयान को मानने से इनकार करता है। उनका व्यक्तिगत बयान है। हाँ, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। अगर उनका ये व्यक्तिगत बयान है तो भाजपा को इस बात को, भाजपा जिला अध्यक्ष को और प्रदेश इकाई को इस बात का खंडन करना चाहिए कि ये गौरीशंकर बिसेन का व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जो ये इस तरह का जो ये अटैक कर रहे हैं गौरीशंकर बिसेन, इन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व जो भोपाल में अपना एक तथाकथित विदाई समारोह करवाया था, उसमें सम्मानी कमलनाथ जी को इन्होंने बुलवाया और बड़े मान सम्मान के साथ आधा घंटा एक घंटा उनसे चर्चा की, और यही चर्चा का जो कारण था कि ये इनका जो विरोधी गुट है गौरीशंकर बिसेन का, भारतीय जनता पार्टी का, इनके आकाओं को इस बात की उन्होंने जानकारी दी है कि इस बात की संभावना व्यक्त हो रही है कि गौरीशंकर बिसेन और उनकी लड़की कांग्रेस में जा सकते हैं। तो जब यह शिकायत मोदी और शाह तक पहुंची तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि वो कमलनाथ जी के पास गया था, उसके पीछे ये कारण नहीं था, प्रमाणित करने के लिए लगातार कमलनाथ जी पर अनर्गल आरोप लगा रहा है। हमारा तो ये कहना है कि इसने हमारे कमलनाथ जी से गुहार लगाया कि अगर गौरीशंकर बिसेन की लड़की को टिकट नहीं मिलती तो आप कांग्रेस से टिकट दे दें, हम लोग कांग्रेस में प्रवेश कर लें। हमारा तो सीधा सीधा ये बोल के सिर्फ एक झूठा फ्रेम, जिसको कहते फ्रेम पाना, वो पाना चाहते हैं गौरीशंकर बिसेन जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं आपको बताते हूँ कि ये मेंटली रिटायर्ड पर्सन है, इसका कुछ भी इलाज नहीं है, ये बिल्कुल दिमाग से असंतुलित हो चुके हैं। दोबारा बोलता हूँ, इनके परिवार वाले अगर इनका इलाज नहीं करा सकते तो नितिन गोद सक्षम है, इनको विदेश में जहाँ जाए, जहाँ ये चाहेंगे, जहाँ डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, मैं वहाँ जाके इनको उपचार करूँ। भैया, क्या कारण मानते हैं कि इतने बार वो टिप्पणी कर रहे हैं? कांग्रेस आज बहुत दिनों बाद एकजुट होकर सामने आई है, इसके पूर्व में भी उन्होंने टिप्पणी किया तो आप स्वयं अकेले खड़े थे सामने मैदान पे और कोई कांग्रेसी नहीं थी। नहीं नहीं, नहीं, ये बात गलत है। मेरे को आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी का आदेश हुआ था, भाव उस दिन इंदौर में थे,
मेरे को भगत जी आदरणीय हमारी पुष्पा बिसेन जी चाची और जुगल भी अनूप भी रहीम भाई सभी लोगों ने मेरे को आदेशित किया था। शाम से मेरी बात हो चुकी थी तो सब कहीं ना कहीं व्यस्त थे क्योंकि नवरात्र का त्यौहार था। इस बीच में मेरे को बोला गया कि तो फिर मैंने अपने ऑफिस में आप लोग को बुला के मैंने आप लोग से चर्चा की। नितिन भाई एक सवाल था, जो पागल आदमी होता है ना, जो पागल आदमी होता है उसका इलाज संभव है? हाँ। जो पागल बनकर नाटक करता है उसका इलाज क्या वास्तव में संभव है? इसलिए तो मैंने आपको लगता है गौरीशंकर बिसेन पागल है या सिर्फ नाटक करता है? नहीं, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि अगर उनके घर वालों के पास पैसे नहीं होंगे तो मैं विदेश के डॉक्टरों से इलाज कराऊंगा, पता तो चले कि पागल है कि पागल बनकर नाटक कर रहा है। गौरीशंकर बिसेन जी जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और अभी 2-3 वाकया उनके हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि चुनाव जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे ये इनकी हरकतें बढ़ रही है और ये पागलपन नहीं, ये बनावटी पागलपन है। ये एक बनावटी पागलपन से अपने पार्टी के लोगों को आकर्षित करना चाहता है, अब वो उसका वो जाने, मगर इससे इनके व्यक्तित्व से, इनकी हरकतों से आज जनता में आक्रोश है। यहाँ तक बीजेपी के लोग भी मेरे से कहते हैं कि भाऊ ये तो साला बोले चुनाव के लिए पागल ही हो जाता है, ऐसा वैसा पागल नहीं, तो बनावटी पागल है, वो भी महसूस कर रहे हैं इस बात, पूरे बालाघाट जिला को इसकी हरकतों से बाकी हुए अच्छी तरह से कि ये बनावटी हरकतें हैं और ये हरकतें से कोई अच्छा नहीं कह रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा मर्यादाओं में रह करके काम करते आई है और उन्हीं शालीनताओं से आज जनता में कांग्रेस का एक अलग स्थान है। गौरीशंकर बिसेन, मैंने मेरे साथ भी लोकसभा चुनाव लड़ा है तब भी उसकी हरकतें देखने को मिली अपने को, मैं वो नहीं कहना चाहता, बालाघाट जिले की जनता जानती, जनता ने मुझे बताया कि इस तरह की हरकतें उन्होंने की है। तरह की पूरा मध्य प्रदेश का सबसे विकास पुरुष नेता कोई कमलनाथ जी है, इसके खिलाफ में अगर मैं कुछ लिखूंगा तो पूरे प्रदेश का जिले का हर पत्रकार लिखेगा। तो ये अपनी हल्की राजनीति पब्लिसिटी लेने के लिए कमलनाथ जी के बारे में ये दुष्प्रचार कर रहा है। इसके लिए पूरे जिला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का कांग्रेस के कार्यकर्ता के अलावा मध्य प्रदेश की आम जनता में आक्रोश है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के जनहितेशी नेता है हमारे माननीय कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के खिलाफ ये टीका पपड़ी करने के कारण में ये आने वाले समय में मध्य प्रदेश बालाघाट जिले में नहीं पूरे प्रदेश के अंदर में शांति भंग होने की आशंका है। उसी नेतृत्व में आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारियों के साथ में ये विचार कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश के नेता इस बारे में विचार कर रहे हैं कि कहीं ऐसे ना हो कि आम जनता सड़क पर गली गली में घुस घुस के भारतीय जनता पार्टी के वो नेता है जो गौरीशंकर बिसेन से जुड़े सबको जूते चप्पलों की माला पहनाना शुरू कर दिया।